नामाकृति द्रव्य भावे पुनः तत्सर जगत जन्म क्षेत्र काल च सर्वस्मिन् नाथ समुपास्महे। जैन इतिहास में, जैन संस्कृति में, जैन शासन में नाम स्थापना द्रव्य और भाव इस चार निक्षेप अरिहंत परमात्मा की उपासना का वर्णन है। इसमें भी स्थापना निक्षेपा मतलब परमात्मा की मूर्ति का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इसी मूर्ति के माध्यम से तीर्थंकर परमात्मा ने जिस पुद्गलों को अपने आप में ग्रहण किया था और अपनी आराधना भाव से उसको भावित किया था, उस अणु परमाणु पुद्गलों को प्रतिमा ग्रहण करती है और भक्त तक पहुंचाती है। तो हमारी आराधना, हमारी उपासना, हमारी विशुद्धि के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए परमात्मा प्रतिमा का आलंबन वो सर्वश्रेष्ठ गिना गया है। और इस प्रतिमा की ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए शिल्प स्थापत्य के अनुरूप संपूर्ण झिलाने निर्माण का विधान है। और इस तरीके से भारत में हजारों जैन मंदिर आज विद्यमान है, जिसमें अगणित ऊर्जा का अनुभव हम कर रहे हैं। आज मालवा महासंघ एवं नवरत्न परिवार की तरफ से आचार्य गुरुदेव श्री नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के परम आशीर्वाद एवं युवा हृदय सम्राट प्रभावक ऐसे विश्व रत्न सागर जी महाराज साहब की पुनित प्रेरणा से 1200 से 1400 जिन मंदिर की जिनाले की शुद्धि का एक अनुष्ठान आयोजन किया गया है, अपने आप में अलौकिक अद्भुत है। हम इस जिनाले की शुद्धि के माध्यम से तीर्थंकर परमात्मा ने जो ऊर्जा इस विश्व में विस्फोटित की है, उस ऊर्जा का अनुभव करेंगे, जिनाले शुद्ध हो जाएगा, तो आराधना करने के लिए जाने वाले हजारों लाखों पुण्यात्माओं को परमात्मा के दिव्य शक्ति का एहसास होगा। तो ऐसा एक दिव्य अनुष्ठान होने जा रहा है। पुण्यात्माएं, भाग्यशाली आप सभी लोग इस आयोजन में जुड़े, आपके माध्यम से एक जिनालय, आपके माध्यम से जिनालय की एक स्क्वायर फीट की जगह भी अगर आपके माध्यम से शुद्ध होने जा रही है, आसात्माओं से मुक्त होने जा रही है, तो याद रखना, एक स्क्वायर फीट उसकी जगह में जितने अणु परमाणु है, इतने अणु परमाणुओं का देवताएं सुख आपको प्राप्त हो सके, ऐसा पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। और आपने जब 1400 जिनाले की शुद्धि के इस अभियान में जुड़ करके अगर शुद्धि कर रहे हो, तो आपको न केवल आप जहां कर रहे हो उसकी शुद्धि का लाभ, मगर 1400 जिनालय की शुद्धि का लाभ भी आपको प्राप्त होने जा रहा है। पुण्यवान तैयार हो जाइए, हमारे माध्यम से हमारे, फिर आप महाराष्ट्र में है, फिर आप मध्य प्रदेश में है, फिर आप राजस्थान में है, फिर आप यूपी में है, या फिर आप बंगाल में है, या गुजरात में भी कहीं पे भी है, आप इस दिन जिनालय शुद्धि का कार्य अवश्य करेंगे, प्रतिमा शुद्धि का कार्य अवश्य करेंगे और आप लाभ प्राप्त करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जिनालय, सादर ऊर्जा और अति अद्भुत आत्मिक लाभ प्राप्त करने का ये पुण्य उपार्जन कीजिए। ऐसे ही मंगलमय शुभकामना।